Oh, live. नमस्कार, आप सारे विद्यार्थियों को कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सारे लोग सकुशल होंगे और जम करके आपकी तैयारी चल भी रही होगी। ठीक है, आज हम कह सकते हैं मैथ टारगेट, जो मैथ है इसका हम चौथे लेक्चर की ओर अग्रसर हैं। कितना लेक्चर है भाई? चौथा। तीन लेक्चर हम इसके अंतर्गत पढ़ चुके हैं और आज भी हम YouTube के साथ साथ एप्लीकेशन पर दोनों जगहों पर लाइव हैं। ठीक है, तो आप सारे विद्यार्थी एक बार अपने पूरे ग्रुप में आप दबा करके YouTube वाले शेयर कर दीजिए ताकि और ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके। ठीक है, और आज का सेशन बहुत ही कह सकते हैं शानदार होने वाली है। ठीक है, थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इशू था, इस वजह से हम 5-7 मिनट लेट हैं। कोई बात नहीं, आपका अगले दिन से हम बिल्कुल टाइम पर रहेंगे, एक्यूरेट टाइम पर रहेंगे। ठीक ना, एप्लीकेशन पर नहीं चल रहा है सर, एप्लीकेशन पर क्लासेस बिल्कुल चल रहा है, आप जाकर के एक बार विजिट कर लीजिए। ठीक है, चलिए, तो सारे के सारे विद्यार्थी बिल्कुल लाइव हैं, मजे में होंगे, है ना? तो चलिए बिना देर किए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और देखिए, आपको मैं बता दूं कि कल जो है, देखो भाई, कल जो है हम लोग नंबर ऑफ डिवाइजर पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे भाई? नंबर ऑफ डिवाइजर। कल के क्लास में हम नंबर ऑफ डिवाइजर मैंने आपको सिखाया था। नंबर ऑफ डिवाइजर मैंने कल के क्लास में सिखाया था। बाकी कुछ और क्वेश्चंस कर सकते हैं, कुछ और टाइप यहां पर बचा हुआ है, तो हम नंबर ऑफ डिवाइजर का जो भी पार्ट पुर्जा बचा हुआ है उसको पहले कंप्लीट करेंगे और इसके जस्ट बाद आज के क्लास में आपको हम यूनिट डिजिट सिखाएंगे। क्या सिखाएंगे भाई? यूनिट डिजिट, क्योंकि प्रश्न आने की संभावना आपका नंबर ऑफ डिवाइजर से भी है और यूनिट डिजिट से भी है। और यूनिट डिजिट से पहले भी मैं बात करूंगा प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू की, मतलब प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू भी आज के क्लास में हम देखने वाले हैं। ठीक है भाई, तो चलिए सारे के सारे लोग पूरी एनर्जी के साथ एकदम तैयार हैं और आज शाम एकदम कह सकते हैं अंकुश मैथमेटिक्स का नाम होनी चाहिए, है कि नहीं बात? चलिए, तो ये जो क्वेश्चन आपका है इसमें एक संख्या दे रखा है 936 और कहता है 936 मोबाइल किसी कक्षा में छात्रों को बराबर बराबर संख्या में कितने तरीके से बांटा जा सकता है। तो उम्मीद है कल के क्लास में भाजकों की संख्या निकालने के लिए आप सारे विद्यार्थी क्या किए थे? नंबर्स को फैक्टराइज किए थे और टोटल भाजक की संख्या जब निकालना था तो सबके पावर को एक एक से बढ़ा के क्या किए थे? गुणा कर दिए थे। जब आपको समभाजक की संख्या निकालना था तो 2 के पावर को बिना बढ़ाए गुणा किए थे और विषम भाजक की जब संख्या निकालना था तो 2 के पावर को हम लेते ही नहीं है, सिर्फ विषम वाले पावर को एक से बढ़ा के गुणा कर दिए थे, नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर्स आपका निकल गया था। क्लियर है बात? अब यहां पर ये जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं रेलवे आरपीएफ एसआई 2019 का पूछा हुआ एकदम ताजा प्रश्न है और इस प्रश्न में क्या सोच हो सकती है सारे विद्यार्थी यहां पर ध्यान सीखिएगा। एक बार YouTube वाले सारे विद्यार्थी दबा करके आप शेयर करिए और सेशन को लाइक कर दीजिए। ठीक है, सेशन को लाइक कर दीजिए सारे के सारे विद्यार्थी। चले भाई, एप्लीकेशन वाले सारे विद्यार्थी बिल्कुल ध्यान दीजिए और आप विद्यार्थी एप्लीकेशन वाला एक नोट्स, एक आप कॉपी लीजिए नया और उस पर आप क्या करिए सारी चीज को आप नोट करते हुए चलिए। देखो मैं थोड़ा अगर फास्ट कराऊं, मतलब थोड़ा अगर कम समय दे तो वीडियो आपके पास रहेगा, आप बाद में एक बार वीडियो को री करके चीज को जहां जहां छूटेगा उसको आप अपने कॉपी में नोट कर लेंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ताकि एग्जाम के टाइम में अगर आपकी कॉपी में एक जगह सारी चीजें रहेगा तो कम समय में आप सारी चीज को रिवाइज कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, तो यहां पर 936 मोबाइल है, मोबाइल के जगह पर कोई भी वस्तु हो सकता है। अब उसको क्या करना है? छात्रों को बराबर बराबर संख्या में बांटना है। तो कह रहा है कितने तरीके से बांटा जा सकता है, कितने तरीके से बांटा जा सकता है।
तो देखो भाई, ये प्रश्न को करने से पहले आप ये समझ जाइए कि 12 गो मोबाइल मान लेते हैं, है कितने मोबाइल है, 12 मोबाइल है। अब इसको करें कितने तरीके से आप बराबर बराबर बांट सकते हैं, तो आप बताइए 12 का डिवाइजर कौन कौन है, तो कहिए खुद 12 है, 6 है, 4 है, 3 है, 2 है और 1 है। बताओ भाई 12 का डिवाइजर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने डिवाइजर्स है, 6, यानी हम कहेंगे 6 तरीका होगा 12 मोबाइल को बराबर बराबर बांटने का। मतलब याद रखना है कि जितने नंबर ऑफ डिवाइजर्स होंगे उतना ही कह सकते हैं नंबर ऑफ वेज होगा, तरीका की संख्या। ओके, ये कैसे सर, तो सुनिए बताइए 12 का फैक्टर 1 है, तो आप क्या करेंगे, एक एक मोबाइल आप क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं, 12 आदमी में एक एक मोबाइल बराबर बराबर बढ़ जाएगा। अगर मान लेते हैं कि आप दो दो मोबाइल बांटते हैं, तो दो मोबाइल अगर आप बांटिएगा तो 6 आदमी में 12 मोबाइल बराबर बराबर बढ़ जाएगा, 2 6 12। अगर आप तीन तीन मोबाइल बांटते हैं तो तीन मोबाइल 3 4 12, 4 आदमी में तीन तीन मोबाइल बढ़ जाएगा आपका, 12 मोबाइल जो है वो 4 आदमी के बीच तीन तीन मोबाइल बराबर और बढ़ जाएगा। आप देखिए 4 4 मोबाइल बांटिएगा तो 4 3 12, 3 आदमी बढ़ जाएगा, 6 6 मोबाइल बांटिएगा तब बराबर बराबर बढ़ जाएगा 2 आदमी में, अब 12 को बांटिएगा तो 1 1 12 दे दीजिए। तो क्वेश्चन यही है कि 12 मोबाइल को कितने तरीके से आप बराबर बराबर बांट सकते हैं। अगर हम यहां पर 5 लेते हैं, 5 बताइए 12 का फैक्टर है, 5 है, 12 का 5 जो है भाजक है, 5 से ही कटता नहीं, क्या 5 5 मोबाइल को जब आप बांटिएगा तो क्या 12 मोबाइल पूरा पूरा बटेगा, चलो एक को दे दिए 5 मोबाइल, फिर एक को दे दिए 5 मोबाइल, तो 5 5 कितना 10, 2 मोबाइल शेष रह जाएगा। तो क्या आप 5 5 के हिसाब से 12 मोबाइल को बराबर बराबर बांट पाए, नहीं ना, नहीं बांट पाए। तो याद रखना है कि जितना नंबर ऑफ डिवाइजर होता है उतना ही आपका तरीका की संख्या होता है। कोई भी वस्तु को अगर बराबर बराबर बांटना है और बांटने का क्या तरीका होगा, ये बात पता करने के लिए सिर्फ भाजक की संख्या आप निकाल लीजिए, सिर्फ भाजक की संख्या आप क्या करिए, निकाल लीजिए, ठीक है। और जितना भाजक की संख्या होगा वही कह सकते हैं आपका बांटने का तरीका होगा। तो उम्मीद है सारे विद्यार्थी अब चीज को समझ पाए होंगे। अब ये क्वेश्चंस को जहां तक सोल्व करना है तो यूं ही इसको खत्म कर सकते हैं। 936 मोबाइल है तो सिंपली आप 936 को क्या करिए, फैक्टराइज करिए, जल्दी बताओ चला कितना होगा, 2 4 8 2 6 12 2 8 16, 468, फिर 2 से कितना हो जाएगा 234, फिर हो जाएगा 2 से कितना 117, होगा कि नहीं भाई, फिर देखो 7 1 8 9, 3 से भाग लगाइए तो 3 3 9 और 3 9 27, फिर 3 से भाग लगाइए तो कितना हो जाएगा 13। अब बताओ चला जल्दी से, ये 2 के पावर कितना 3, अरे 2 के पावर 3, 3 के पावर 2 और 13 का पावर 1, अरे होगा कि नहीं, 2 के पावर 3, 3 के पावर 2, 13 के पावर 1। अब यहां पर आप ये चीज जानो कि भाजक की संख्या जो होगा वही आपका क्या होगा, तरीका की संख्या होगा, वही क्या होगा आपका, तरीका की संख्या होगा। जितना को भाजक होगा उतना ही आपका तरीका होगा। अब टोटल भाजक कितने हैं, मैंने कल ही तो बताया था कि पावर को 1 से बढ़ा के क्या करिए, गुणा कर दीजिए, क्लियर है भाई मेरे, चलो 3 पावर है तो 1 से बढ़ा दिए तो कितना हो गया 4 हो गया, 2 पावर है तो 1 से बढ़ा दिए 3 हो गया, और 1 पावर है तो 1 से बढ़ा दिए 2, और सबको क्या करिए गुणा कर दीजिए तो 4 3 12 2 9 24, 24 इज द राइट आंसर, है कोई ऑप्शन बी नंबर। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि 936 मोबाइल को या 936 वस्तु को हम 24 तरीके से बराबर बराबर बांट सकते हैं। 12 का भाजक है वो था 6 गो, 12 6 4 3 2 1, इसका मतलब हम कह सकते हैं 12 मोबाइल को 6 तरीके से हम इक्वल इक्वल बांट सकते हैं। चलो यार एक बार YouTube वाले सारे विद्यार्थी अब दबा करके शेयर करिए, ठीक है, चलिए। और एक बार बताइए किसी को कोई इसमें डाउट है, किसी को कोई डाउट है, चला एक बार बता देंगे सब लोग, है नहीं ना, चलिए किसी को कोई डाउट नहीं, एक बार YouTube वाले सारे विद्यार्थी सेशन को लाइक भी कर देंगे, सेशन को लाइक, देखो यार ये सब में कंजूसी नहीं करना है, YouTube पर मैं जितने भी क्लासेस दे रहा हूं बिल्कुल फ्री दे रहा हूं, तो ये सब शेयरिंग लाइक है ना, ये सारी चीजों में कोई कंजूसी नहीं करना है, हाँ क्योंकि आप सपोर्ट करेंगे तभी मैं आपका भी हेल्प कर पाऊंगा। आ जाइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, एप्लीकेशन वाले सारे विद्यार्थी एक बार बता देंगे क्या आप सारे लोग समझ पा रहे हैं, तो चलिए जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए,
इसका आंसर सारे विद्यार्थी जल्दी से बता दीजिए। और ये भी जो है आरपीएफ 2019 आपका एसआई पूछा है, ठीक है, रेलवे आरपीएफ एसआई 2019, कुछ नहीं क्वेश्चन वही है, बस यहां पर डाटा को क्या किया है, बदल दिया है। 572 मोबाइल यहां पर दे रखा था, पूछा हुआ प्रश्न है और ये एग्जाम में प्रश्न आ सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि मोबाइल यहां पर दे, किसी भी वस्तु, याद कर लीजिए, कोई भी वस्तु को बराबर बराबर कितने तरीके से बांटा जा सकता है, ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा आप उसका भाजक की संख्या निकाल लीजिए, वही आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। मैं चीज को समझाने के लिए छोटी संख्या मैंने 12 लेकर के आपको चीजों को समझाया है, ठीक है भाई। चलो आ जाओ यहां पर जल्दी से, सारे लोग यहां पर करिए, दो से कितना हो जाएगा जल्दी बताइए, 2 × 4 2 × 8 = 16 और 2 × 6 = 12 286 हो जाएगा, होगा ना जी, और 2 से कितना हो जाएगा 143 हो जाएगा, 4 × 3 = 7 = 8 है ना, 11 सीधे भाग लगाओ भाई, तो 11 से भाग लगाएंगे कितने बार में, 13 बार में। अब देखो भाई इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर 11 का पावर 1 और 13 का पावर 1, ठीक है। अब हमसे क्या बोलता है, कितने तरीके से बांटे जा सकता है, मतलब आपसे क्या पूछ रहा है, तरीका की संख्या। आपको पता है ना कि तरीका की संख्या जो आपका होगा वो आपका होगा कुल भाजक की संख्या, जय गो भाजक होगा उतना ही वो आपका तरीका होगा। अब बताओ भाई मेरे, कुल भाजक की संख्या कैसे निकालते हैं, तो पावर को 1 से बढ़ा के गुणा करते हैं, मैंने कल ही क्लास में आपको सिखाया था। तो 2 को 1 से बढ़ा देंगे तो कितना 3, इस 1 को 1 से बढ़ाएंगे तो कितना 2, और इस 1 को 1 से बढ़ाएंगे तो कितना 2, आप 3 × 6 × 12 12 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर कौन सा बी हो जाएगा, ठीक है भाई, 12 इज द राइट आंसर। क्या सर आप लोग समझ पा रहे हैं, सारे के सारे लोग एक बार बता देंगे, सारे के सारे लोग को समझ में आ रहा है, चलिए बहुत अच्छी बात है। सबनम कुमारी, सोनू यदवंशी जी, मुकेश कुमार, विकेश, विजय कुमार शाह जी, रितु कुमारी, सुधांशु, मुकेश, गौतम, ये सारे के सारे विद्यार्थी बिल्कुल राइट आंसर कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए आपको इस टाइप का प्रश्न आपसे बन जाएगा। अब आपसे किसी भी वस्तु को बराबर बराबर बांटने के लिए आपसे पूछेगा कितने तरीके होंगे, तो इस टाइप का प्रश्न आप एग्जाम में बना सकते हैं, आपसे ये क्वेश्चन नहीं छूटेगा, नहीं छूटेगा ना, आपसे बनेगा ना क्या ये प्रश्न, ये बिल्कुल बनेगा। चलो भाई अच्छी बात है, अब हम टाइप को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। देखिए सारे विद्यार्थी यहां पर ध्यान दीजिए, ये एग्जाम में क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है, और इसमें बीबीआई लगा लेंगे सारे के सारे विद्यार्थी। देखो भाई इसमें बीबीआई लगा लेंगे सारे के सारे विद्यार्थी, यहां पर बीबीआई लगा लेंगे, ये जो टाइप है इसमें बीबीआई लगा लेंगे सारे के सारे विद्यार्थी, ये आने की ज्यादा संभावना है। देखो भाई इस बैच में, टारगेट बैच में जो भी पढ़ा रहा हूं, हर चीजें जो है आपको एकदम जुबान पे होना चाहिए, आपके माइंड में होना चाहिए, हर चीजें इंपॉर्टेंट है। कम समय में जितनी चीज मैं दे रहा हूं सारी चीज को आप रिवाइज करिए, एग्जाम में मैथमेटिक्स का प्रश्न आपसे बनेगा, ये बिल्कुल मैं वादा कर रहा हूं, बिल्कुल आपसे बनेगा, है ना, क्योंकि पूरे सिलेबस को मैंने अध्ययन किया है और कहां कहां से प्रश्न आ रहा है वो सारी चीज का थ्योरी और उस पर प्रैक्टिस मैं आपको कराता चलूंगा, ठीक है। चलिए अब यहां पर देखिए, कहता है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी है। अब देखो भाई या इसका बेस जरा सारे विद्यार्थी देखिए, क्या बेस अभाज है, क्या बेस अभाज है, क्या बेस अभाज है और क्या बेस अभाज है, नहीं है। तो याद रखिएगा अभाज्य गुणनखंड की संख्या जब बोलेगा तो सबसे पहले बेस को हम क्या बनाएंगे, अभाज्य बनाएंगे, सबसे पहले बेस को हम क्या बनाएंगे, अभाज्य बनाएंगे। अजय कुमार जी बोल रहे सर मेरा नाम ले लीजिए, एकदम भाई चलो आ जाओ, बेस को हम अभाज्य बनाएंगे। तो 6 को आप क्या लिख सकते हैं, 6 को आप लिख सकते हैं 2 × 3 लिख सकते हैं भाई, और पावर में कितना 4, ठीक है। अब देखो यहां पर बेस में 8 है तो 8 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 देखो 8 होता है, और पहले से 6 है पावर, तो देखिए 8 का मतलब 2 × 3 और पहले से पावर 6 था, तो पावर और पावर क्या होता है, गुणा हो जाता है। अब देखिए 10 है तो 10 तो अभाज्य नहीं है, तो 10 को आप ऐसे लिख सकते हैं 2 × 5 और पावर कितना 8, देखिए 2 भी अभाज्य 5 भी अभाज्य। अब देखो भाई 12, 12 का मतलब क्या हो गया, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 और 3 = 12, अरे होगा कि नहीं, 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर 4 = 12 और पावर कितना है 10, 10 है।
तो कहने का मतलब सबसे पहला ड्यूटी आपका क्या है, सारे के बेस को क्या करना, अभाज्य बना देना है। देखो भाई पहला कंसेप्ट यहां पर क्या है, नोट कर लीजिए, बेस को अभाज्य बनाना। देखो भाई नोट कर लो यहां पर, बेस को अभाज्य बनाना, कुछ नहीं करना है, बेस को अभाज्य बनाना। सबसे पहला काम जो है यही है, बेस को अभाज्य बनाना। ठीक है, क्या काम है भाई, बेस को अभाज्य बनाना, बेस को अभाज्य बनाना। ठीक है, और इसके बाद जो है वो पावर को क्या करना, जोड़ना। इसके बाद क्या करना है आपको, पावर को जोड़ना है, पावर को जोड़े, पावर को जोड़ना है, ये दूसरा काम है। और जितना पावर जोड़ने पर आएगा वही आपके प्रश्न का क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। क्यों जोड़ेंगे, मैं सारी चीज आपको बता रहा हूं सारे विद्यार्थी ध्यान। देखो भाई आप एक बार सारे विद्यार्थी बता दिए कि दो का पावर टोटल कितना होगा, दो का पावर टोटल कितना होगा, एक बार सारे विद्यार्थी आप बता दीजिए दो का पावर टोटल कितना होगा। देखो भाई बोलो जल्दी से, दो यहां पर कितना गो है, चार गो है। दो का पावर चार का मतलब होता है दो की संख्या कितना है, चार है। जितना पावर रहेगा समझिए बेस उतनी ही संख्या में रहेगा, तो दो का पावर कितना है सर, चार है। अब बताओ दो का पावर कितना है सर, अठारह। अरे दो यहां कै गो, अठारह गो, और दो यहां कै गो, चार गो, तो दो कितना गो हो गया, अठारह चार बाईस गो, बाईस गो। अरे चार गो यहां यार और अठारह गो यहां, तो बाईस गो। फिर देखो दो कितना गो, आठ गो, अरे दो कितना गो, आठ गो, तो चार गो यहां और अठारह गो यहां कितना, बाईस, बाईस और आठ कितना, तीस। अरे बाईस और आठ कितना, तीस। अब फिर बताइए दो यहां कै गो होगा, तो दस दुना बीस, दस दुना बीस, तो बीस गो यानी पचास गो हो गया, यानी दो हो गया टोटल पचास गो। तो यहां पर लिख देंगे दो के पावर पचास, क्लियर है। अरे दो फिर से एक बार, दो यहां चार गो और यहां अठारह गो, तो अठारह चार बाईस, और यहां पर बाईस आठ कितना, तीस, और यहां पर कितना, दस दुना बीस, तो तीस बीस पचास गो हो गया दो। अब चलो बताओ तीन कितना गो है, तो तीन देखो भाई यहां कितना गो है, तीन पे पावर चार है, तो तीन कितना गो, चार गो यहां। अब ढूंढिए अब ढूंढिए अब ढूंढिए, देखिए तीन यहां पर, तो तीन यहां क्या गो, दस गो, तो तीन दस गो यहां और चार गो यहां, तो तीन हो गया चौदह गो, हुआ कि नहीं। अब हम पांच की बात करते हैं, तो पांच न यहां है न यहां है न यहां है, पांच देखो इसमें है, तो पांच के पावर कितना, आठ हो गया। अब देखो ये जो दो है ना वो क्या है, एक अभाज्य गुणनखंड है। तीन जो है वो क्या है, एक अभाज्य गुणनखंड है। पांच जो है वो क्या है, एक अभाज्य गुणनखंड है। अरे है कि नहीं, दो भी अभाज्य गुणनखंड है, तीन भी अभाज्य गुणनखंड है, पांच भी अभाज्य गुणनखंड है, लेकिन बोला अभाज्य गुणनखंड कै गो होगा। तो देखो पचास गो यहां पर है और तीन अभाज्य गुणनखंड है जो कितना गो है, चौदह गो, और पांच जो अभाज्य गुणनखंड है कितना गो, आठ गो। तो बोलता है कि टोटल अभाज्य गुणनखंड की संख्या बताओ कितना है, तो पावर को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, पचास प्लस चौदह प्लस आठ कितना आएगा, चला बहत्तर, और बहत्तर इज द कितना राइट आंसर। जैसे दो अभाज्य गुणनखंड है जो पचास गो है, तीन अभाज्य गुणनखंड है जो चौदह गो है, और पांच भी अभाज्य गुणनखंड है जो आठ गो, तो कह रहे टोटल अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितने होंगे, तो पावर को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, पावर को जोड़ देंगे। तो यही यहां पर कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट में ये दो लाइन आप लिख लीजिएगा, समझे भाई मेरे। कंसेप्ट क्या नोट करना है, पहला नंबर क्या है कि बेस को अभाज्य बनाना है, सबसे पहला ड्यूटी यही है, बेस को आप प्राइम बना लो। उसके बाद क्या है, तो सारे पावर को जोड़ दो, सारे पावर को जोड़ दो, सारे पावर को जोड़ दो। आप यहीं पर डायरेक्ट जोड़ सकते थे, सुनिए सुनिए कैसे। देखो भाई दो कै गो, चार गो, और चार गो यहां कै गो, आठ गो। अरे चार और चार आठ, आठ और अठारह कितना, छब्बीस, और आठ गो ही आठ गो यानी सोलह गो, और तो छब्बीस और सोलह कितना हो गया, छब्बीस सोलह बयालीस हो जाएगा, बयालीस। अब बयालीस गो, और यहां पर देखो दस और बीस तीस गो यहां, तो बयालीस और तीस कितना, बहत्तर गो आपका हो गया। डायरेक्ट सब पावर को जोड़ देते, वहीं पे आपका उत्तर हो जाता। समझ में आ रहा है कुछ बात, चलिए अच्छी बात है। एक बार सारे के सारे लोग शेयर करिए, यूट्यूब वाले विद्यार्थी, ठीक है, और सेशन को लाइक करिए, लाइक करना नहीं भूलना है। देखो यार देख रहा है बंदा ज्यादा और लाइक कम है, बिल्कुल गलत बात है। लाइक नहीं तो डिसलाइक मारो, लेकिन कुछ ना कुछ मारो जरूर। हाँ, जैसा आपको लग रहा है वही काम आप करिए। चलिए, उम्मीद है सारे विद्यार्थी चीज को समझ पाए और कंसेप्ट को सारे विद्यार्थी नोट कर लीजिए। ये आपका बीबीआई क्वेश्चन है, एप्लीकेशन वाले सारे विद्यार्थी कंसेप्ट को नोट कर लिए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन का आंसर सारे विद्यार्थी जल्दी से बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन यहां पर ये है,
जल्दी से बता दीजिए, यही क्वेश्चन और कहता है अभाज्य गुणनखंड की संख्या क्या होगी। तो देखो भाई, बेस को अभाज्य बनाना है, 12 अभाज्य नहीं है, तो कैसे करेंगे? देखो भाई, 2 का स्क्वायर 4 तीये 12, ठीक है, और इसका पावर 4 है, मैंने यहां पे लिख दिया। अब देखो भाई, 5 तो पहले से अभाज्य है, तो कुछ नहीं छेड़छाड़ करना है, इसको वैसे ही लिख देना है 5 के पावर 15, ठीक है भाई। अब देखो यहां पर 13 पहले से अभाज्य है, कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। अभाज्य जब पहले से रहेगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, और अभाज्य नहीं रहेगा तो उसको लिखना पड़ेगा। देखो यहां पर 2 और 3 सब अभाज्य है, तो सारे बेस को अभाज्य कर लिए। अब यहां पर क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड की संख्या लिखने के लिए, अभाज्य गुणनखंड की संख्या लिखने के लिए पावर को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, पावर को जोड़ देंगे। तो चलो भाई, सारे के सारे लोग जोड़िए, अब डायरेक्ट जोड़िए, अब लिखने की जरूरत नहीं है। देखो, 2 के पावर कितना हो गया, 4 दूना 8, 3 के पावर कितना हो गया, जल्दी बोलिए 4, और 5 के पावर यहां कितना 15, और 13 के पावर कितना 20, और सारे पावर को जोड़ देंगे, उत्तर हो जाएगा। तो बोलिए 8 4 12, और 12 15 27, 27 और 20 47, 47 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर कौन सा, डी हो जाएगा। चलिए, शैलेश कुशवाहा जी बोल रहे फ्री कर दीजिए सर यूट्यूब पर भी। देखो भैया, फ्री तो हम पढ़ा ही रहे हैं 10 बजे दिन में, है कि नहीं बात, फ्री तो 10 बजे दिन में हम पढ़ा ही रहे हैं आपको, 4 लेक्चर में फ्री दे रहा हूं, इसमें मैं काफी चीजें आपको सिखा पाया हूं। अब देखिए, अब हमारा भी पेट पूजा होना चाहिए, जितने भी हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं उनका भी कुछ ना कुछ होना चाहिए, काफी यहां भी खर्च होता है ना। तो जिनको पेड करने, पेड बैच लेने का मन है वो पेड बैच लेंगे, जो 10 बजे फ्री पढ़ना चाह रहे वो फ्री पढ़ेंगे, मैं तो सुविधा दोनों दे रखा हूं, है कि नहीं बात। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं, और उम्मीद है आप सारे विद्यार्थी जो है, 2 चीजें मैंने अभी तक आपको सिखाया है, अभी तक मैंने आपको ये 2 चीजें सिखाया है कि किसी भी वस्तु को बराबर बराबर कितने तरीके से बांट सकते हैं, ये चीज मैंने सिखाया। फिर इसके बाद आपको मैंने क्या सिखाया, अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालना मैंने आपको सिखाया है, और उम्मीद है आज के बाद इस टाइप के क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है भाई। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं, और एक और क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सारे विद्यार्थी जल्दी से दे दीजिए, हम चाहते हैं कि इसका आंसर आप सारे विद्यार्थी जल्दी से दे दीजिए। देखो भाई, क्वेश्चन में यहां पर 576 दे रखा है, और 576 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो नियम क्या कहता है कि सबसे पहले बेस को अभाज्य बनाना है, नियम क्या कहता है कि बेस को क्या करना है सर, अभाज्य बनाना है, क्या बनाना है, चला अभाज्य बनाना है, बेस को अभाज्य बनाना है। देखो यार, 576 का पावर 1 है, क्या बेस अभाज्य है, नहीं है, तो चलो जल्दी से बनाओ। देखो, 576 को ऐसे फैक्टराइज करेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। चलो जल्दी से बोलिए, 288 होगा जी, फिर 2 से बोलिए कितना, 144, अरे बोलो भाई 144, फिर 2 से कितना हो जाएगा 72, फिर 2 से कितना हो जाएगा चला 36, अरे होगा कि नहीं, फिर 2 से कितना हो जाएगा 18, फिर 2 से बोल दो जल्दी से कितना 9, और फिर 3 से कितना 3, ठीक है। अब बता दो जल्दी से कितना हो गया, तो 2 के पावर गिन के बोलिए, 1 2 3 4 5 6, 2 के पावर 6, और 3 के पावर हो जाएगा 2 1 2, ठीक है। अब सुनिए, अभाज्य गुणनखंड की संख्या पूछ रहा है, तो अभाज्य गुणनखंड की संख्या में बेस को अभाज्य बनाते हैं, सो मैंने बना लिया, इसके बाद पावर को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो बोलो, इसका पावर 6 और इसका पावर 2, यानी आंसर कितना 8, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है भाई। चलिए, बहुत सारे विद्यार्थी सही आंसर दिए हैं, बहुत बढ़िया, बहुत खुशी होता है। हाँ, मनीष यादव जी एकदम सही बोल रहे हैं, बार बार फ्री वाला ही बात बोलता है, हाँ। चलिए, अब यहां पर देखिए, चलिए यहां पर अब थोड़ा सीखिएगा सारे विद्यार्थी, सारे के सारे विद्यार्थी यहां पर चीज को अब सीखेंगे थोड़ा, ठीक है, सारे के सारे विद्यार्थी चीज को सीखेंगे। और सीखने से पहले एकदम फ्रेश तनी टॉपिक बनाइए, तो सब लोग सारे विद्यार्थी तनी फ्रेश टॉपिक बनाइए, यूनिट डिजिट बनाओ, चला बनाओ यूनिट डिजिट, ठीक है। आज के बाद यूनिट डिजिट की समस्या से आपका निदान हो जाएगा, है ना, इसको हम क्या कहेंगे, इकाई अंक। टॉपिक बना लीजिए, इकाई अंक, क्या बना लेना है भाई, इकाई अंक बना लेना है, ठीक है। चलो, इकाई अंक बना लिए सब लोग, हेडिंग डाल दिए इकाई अंक, अच्छी बात है। अब देखिए, इससे पीछे मैंने जितने भी चीजें आपको पढ़ाया है,
वो चीज पर खूब आप अभ्यास करिए। मैंने एक टॉपिक आपको कंप्लीट कराया नंबर ऑफ डिवाइजर्स, ठीक है, और जितनी सारी प्रश्न मैंने आपको बताया है उसके अंतर्गत वहां से प्रश्न ज्यादा पूछेगा। अब कुछ लोग सोच रहे हैं सर आप कम ही बताएं, फाउंडेशन बैच में तो और बताते हैं नंबर ऑफ डिवाइजर में। देखो यार टारगेट बैच आप कर रहे हो और यहां पर हमारा मकसद क्या है, रेलवे की एग्जाम को फोकस करना। तो रेलवे के एग्जाम में जितने प्रश्न आता है, आया है या जो आने की संभावना है, सिर्फ हम उस पे काम करेंगे, क्योंकि नहीं मेरे पास बहुत ज्यादा पर्याप्त समय है और हमें इतनी कम समय बहुत ज्यादा सिलेबस पढ़ना भी है ना, इसलिए एकदम टू दी पॉइंट रहेंगे। जहां से एग्जाम उठाने का चांस है, जहां से आज तक प्रीवियस में उठाया है ना, उस पे हम विशेष रूप से ध्यान देंगे, ठीक है। तो चलिए यूनिट डिजिट में जहां जहां से प्रश्न चीजें आते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। देखो भाई यूनिट डिजिट इकाई अंक, जैसे मतलब कुछ डाटा बहुत सारा दे देगा और बोलेगा उसका यूनिट डिजिट कितना होगा, इकाई अंक कितना होगा आपसे ये पूछ रहा है, तो आपको सिर्फ इकाई अंक से मतलब ही रहना चाहिए। दहाई अंक उसका क्या होगा, सैकड़ा अंक क्या होगा, हजार अंक क्या होगा, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमको यूनिट डिजिट से मतलब है। जैसे यहां पर हम अभी आ रहे हैं, तुरंत आ रहे हैं, लेकिन एक क्वेश्चन इसका आंसर आप सारे विद्यार्थी जल्दी से दे दीजिए। उम्मीद है सारे विद्यार्थी को ये दिख रहा है, एकदम बिल्कुल बेसिक बातें हैं। चलो भाई देखो यहां पर सारे के सारे विद्यार्थी यहां पर देखिए, देखिए कहता है कि 216 गुना 784 गुना 524 गुना 912, अगर इतना को आप गुना करिएगा तो आपको लग रहा है इसका गुणनफल कितना आएगा, इतना बड़ा आएगा गुणनफल आपका, ठीक है, लेकिन गुणा नहीं करना है। क्वेश्चन में गुणनफल थोड़े पूछ रहा है, बोल रहा है गुणनफल का मतलब इसके प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट कितना होगा, बोल रहा है यूनिट डिजिट कितना होगा। तो यूनिट डिजिट जब हमसे पूछ रहा है तो सिर्फ हम यूनिट डिजिट पे काम करेंगे, चला सिर्फ यूनिट डिजिट पे काम करेंगे। और जल्दी जल्दी बताइए, फटाफट बताइए, इसका इकाई अंक कितना, 6, इसका इकाई अंक कितना, 4, इसका इकाई अंक कितना, 4, और इसका इकाई अंक 2। तो सिर्फ हम यूनिट डिजिट को कैलकुलेट करेंगे, कहिएगा क्या करिएगा सर, तो बीच में साइन क्या है, गुना, तो गुना करेंगे, जोड़ रहता तो जोड़ करते, घटाव रहता तो घटाव करते, जो बीच में साइन रहेगा वही काम हम करेंगे। और मैक्सिमम जगहों पर आपको दो ही साइन दिखेगा, याद रखिएगा, गुना दिखेगा ना तो जोड़ दिखेगा, गुना दिखेगा नहीं तो जोड़, और इसमें भी ज्यादातर आपको गुना देखने को मिलता है, ठीक है। तो चलिए गुना करते हैं, तो बताइए 6 चौके 24, तो 24 पूरा नहीं लेंगे, पूरा 24 भी नहीं लेंगे, 24 का यूनिट डिजिट कितना होता है, 4 होता है, 2 पर 4 24, तो इकाई अंक कितना, 4, अरे पता नहीं इकाई दहाई सैकड़ा, तो 6 चौके 24, इकाई अंक 4, कितना 4, अब बताओ 4 चौके 16, तो 16 का इकाई अंक 6, और 6 दूना 12, तो 12 का इकाई अंक 2, 2 इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। कुछ बात समझ में आ रहा है, देखो भाई 6 चौके 24 4, और 4 चौके 16 6, और 6 दूना 12 2, 2 इज द राइट आंसर, 2 इज द राइट आंसर। अब जैसे अगर हम इसकी बात करें, यहां पर देखिए क्वेश्चन है, सारे विद्यार्थी को उम्मीद दिख रहा होगा, देखो भाई सारे विद्यार्थी को उम्मीद दिख रहा होगा, ठीक है, सारे विद्यार्थी को उम्मीद दिख रहा होगा। अब बोल रहा है कि इसके गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा, तो सिंपली इकाई अंक देखेंगे, देखो 7 3 4 7 1 और 7, अब इकाई अंक पूछ रहा है तो सिर्फ इकाई अंक को गुना करेंगे, चलिए मन में 7 3 21 का इकाई अंक 1, और 1 गुना 4 कितना 4 4, और 4 7 28 का इकाई अंक 8, फिर 8 एकम 8, 8 7 56 56 का 6, 6 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर कौन सा, डी हो जाएगा। देखो भाई फिर से एक बार देख लो, 7 3 21 का इकाई अंक 1, और 1 गुणा 4 करेंगे तो कितना इकाई अंक बनेगा, 4, फिर 4 गुणा 7 करेंगे तो 28 होता है, तो इकाई अंक 8 बच गया, तो फिर 8 गुणा 1 करेंगे तो इकाई अंक 8, और फिर 8 गुणा 7 करेंगे तो 56, जिसका इकाई अंक 6, क्योंकि अब तो कुछ नहीं है तो लास्ट में लिख देना है आपका 6। और उम्मीद है आप सारे विद्यार्थी को ये दोनों चीज में आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए विजय कुमार शाह जी बोले, सर जी यहां की पढ़ाई से हम बहुत खुश छी, अच्छा ये मैथिली लैंग्वेज है शायद ना, चलो भाई ठीक है, अच्छी बात है। आहा के पढ़ाई मतलब क्या हुआ है, मतलब आपके पढ़ाई से नहीं, देखो भाई हमारा मैथिली कमजोर है ना, हमको उतना आइडिया नहीं है, लेकिन जहां तक आप लिखे हैं कहां गया उससे मैं पकड़ पा रहा हूं, हाँ
चलिए अच्छी बात है, अच्छी बात है यार। तो ये चीज को आप समझ पा रहे हैं। देखो भाई, अब इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा आप आइए सारे विद्यार्थी, इस क्वेश्चन पर आप सारे विद्यार्थी थोड़ा सा आइए, यहां पर आप आइए, यहां पर आइए आप सारे विद्यार्थी, इस प्रश्न पे आइए, इस प्रश्न पे आप आइए सारे विद्यार्थी। चंदन सी जी बोल रहे टेस्ट भी होनी चाहिए। देखो भैया, टेस्ट भी चल रहा है चंदन जी, लेकिन पहला पैकेज अभी लास्ट होने वाला है, ठीक ना। पहला पैकेज जो है वो लास्ट होने वाला है, ठीक है। दो तीन सेट बचा हुआ है, दो तीन दिन में आपका नया पैकेज आएगा, वहां से आप इनरोल हो जाएंगे बैच में, ठीक है। चलिए, तो यहां बोलता है इसके गुणनफल का इकाई अंक, इस बार पूछ नहीं रहा है, इकाई अंक 8 दिया हुआ है। देखो भाई, यहां पर इकाई अंक क्या है आपका, 8 दिया हुआ है। क्या दिया है, चला इकाई अंक 8 दिया है। यहां से ही लेकर के इतना सारा डाटा है और इसका यूनिट डिजिट 8 दिया है। अभी तक प्रश्न में यूनिट डिजिट पूछ रहा था, लेकिन यहां पर यूनिट डिजिट 8 दे दिया है। तो कहेगा तब सर क्या पूछेगा, यूनिट डिजिट तो दे ही दिया तो क्या पूछेगा। तो देखो, याद रखना कि अगर यूनिट डिजिट दे देगा कभी, अगर यूनिट डिजिट कभी दे देगा तो समझिए क्वेश्चन में कहीं ना कहीं एक जगह के इकाई अंकों कह सकते हैं गायब किए हुए रहेगा, एक जगह के इकाई अंक आपका लुप्त रहेगा और उसी का मान आपसे क्या करेगा, पूछेगा। कब चला, तो जब यूनिट डिजिट दिया रहेगा तब, ठीक है। तो चलिए यहां पर सुनिए, देखो भाई, यहां पर इकाई अंक 1 है, यहां इकाई अंक 2 है, यहां इकाई अंक 3 है और यहां इकाई अंक गायब है, और ये स्टार है और यही स्टार का मिनिमम वैल्यू पूछता है। कहीं कहीं आपसे स्टार का क्या पूछ देगा, मैक्सिमम वैल्यू पूछ देगा। क्या पूछ देगा, चला मैक्सिमम वैल्यू पूछ देगा। वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, मिनिमम वैल्यू कि मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है भाई। चलिए, अब यहां पर सारे विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा। देखो भाई, 1 × 2 कितना, 2, बोलो जल्दी से, 1 × 2 कितना इकाई अंक, 2, और 2 × 3 6, इकाई अंक 6, और 6 × स्टार करेंगे। देखो भाई, 6 × हम स्टार करेंगे, 6 × स्टार कर रहे हैं तो यूनिट डिजिट कितना मिल रहा है, 8 मिल रहा है। देखो भाई, 1 × 2 2, और 2 × 3 6, और 6 × स्टार इकाई अंक स्टार है, 6 × स्टार किए, 6 × स्टार किए, तब कह रहा है कि इकाई अंक 8 प्राप्त होता है, तो बराबर कितना, 8 8। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि स्टार का मिनिमम मान बताइए, स्टार का क्या बोलता है, मिनिमम मान बताइए, मिनिमम वैल्यू बताइए। कभी कभी आपसे बोलेगा स्टार का मैक्सिमम मान बताइए, कभी कभी आपसे पूछेगा स्टार का मैक्सिमम मान बताइए। तो देखो भाई, आप सोचो, यहां पर आप सोचो चला कि स्टार का मान क्या क्या हो सकता है, मतलब 6 के साथ हम किससे गुणा करें, 6 को किससे गुणा करें कि यूनिट डिजिट कितना मिले, 8। तो कहिएगा 6 × 3 = 18 होता है, कहिएगा सर 3 से गुणा कर दीजिए ना, 6 × 3 = 18 इकाई अंक 8 मिल जाएगा। तो स्टार के जगह पर मान कितना होगा, 3 होगा। क्या और कुछ आपके मन में चल रहा है, और कोई नंबर्स रखने पर इकाई अंक 8 मिलेगा, तो 8 रखने पर मिल रहा है, कैसे, तो 6 × 8 = 48 का इकाई अंक 8, और कोई सोचिए तो और आपको नहीं मिलेगा। 2 रखिएगा तो 6 × 12 इकाई अंक 2, 4 रखिएगा तो 6 × 24 इकाई अंक 4, यूनिट डिजिट 8 भी तो बचना चाहिए। तो कब बच रहा है, जब स्टार के जगह पर हम 3 रख रहे हैं और 8 रख रहे हैं, मतलब क्वेश्चन के अनुसार जो है आपका स्टार का मान 3 भी सही है और 8 भी सही है। अगर हम 3 यहां पे रखेंगे तो भी यूनिट डिजिट 8 मिलेगा, अगर 8 रखेंगे तो भी यूनिट डिजिट 8 मिलेगा, है ना। मतलब 3 और 8 दोनों आंसर सही है, लेकिन हमसे क्या पूछा है, मिनिमम वैल्यू, हमसे क्या पूछा है, मिनिमम। तो मिनिमम जब पूछ रहा है तो आंसर कितना होगा, 3 होगा। मिनिमम जब पूछ रहा है तो छोटका वाला 3, और अगर मैक्सिमम पूछता, सपोज मैक्सिमम पूछता तो कितना हो जाता, 8। कभी कभी चला कुछ नहीं लिखा रहता है, कुछ नहीं लिखा रहता, आएगा आंसर में 2 गो, लेकिन लिखा हुआ रहेगा कुछ ना, ना मैक्सिमम ना मिनिमम। तो वैसी स्थिति में दोनों में से कोनो एक गो ऑप्शन में रहेगा, ये दोनों में से कोई एक ही गो ऑप्शन में रहेगा, और उसको क्या कर दीजिएगा, टिक कर दीजिएगा। कब, जब ना मैक्सिमम और मिनिमम पूछेगा तब। तो चलिए एक बार सारे विद्यार्थी चीज को समझ पाए। चलिए, बिपिन झा जी बोल रहे अब सिर्फ एप्लीकेशन पर ही टारगेट बैच दीजिए। अच्छा, चलिए
हाँ भोजपुरी मस्ती बोर्ड सर, अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछे तो मैं तो बता दिया मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 बड़ा वाला, और मिनिमम वैल्यू पूछेगा तो कितना, 3। और कुछ नहीं पूछेगा तब इन दोनों में से कोई एक एक ऑप्शन यहां पर होगा, उसको हम टिक कर देंगे। ठीक है भाई, ठीक है। तो ये आपका नॉर्मल नंबर, नॉर्मल यहां पर सिंपल सिंपल संख्या था, और उसका इकाई अंक से रिलेटेड मैंने कुछ बातें किया। अब जो आपको मिलेगा उसमें जैसे कुछ चीजें आपको इस ढंग से भी मिल सकता है जैसा कि आपको यहां पर दिख रहा है। देखिए सारे विद्यार्थी यहां पर ध्यान दीजिए, देखो भाई ये क्वेश्चन, सारे विद्यार्थी यहां पर ध्यान दीजिए। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर बाप रे बाप, ये क्या दे दिए आप, सीजीएल मेंस 2018 अब क्या होगा। तो कहने का मतलब ये है, अब क्वेश्चन देखिए हमको इस टाइप का मिला नहीं, लेकिन हमारा ये मानना है कि जोड़ने वाला भी इकाई अंक पूछ सकता है एग्जाम में, है ना। और हमको जल्दीबाजी में दिख गया आपका 18 का, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रश्न जो है रेलवे के एग्जाम में भी आ सकता है, ये प्रश्न नहीं, इस टाइप का प्रश्न जिसमें चीज को जोड़ने के लिए दे देगा और बोलेगा उसका इकाई अंक कितना होगा, तो बहुत आसानी से कर सकते हैं, घबराना नहीं है। ठीक है, चलो रघुनाथ राय जी बोल रहे हैं फास्ट कीजिए गुरुजी। देखो यार रघुनाथ, आप अभी मत देखिए क्लास, ठीक ना, क्लास हो जाने दीजिए, आप फिर उसको जो है फास्ट फॉरवर्ड करके आप देख लीजिएगा, आपकी जो ख्वाहिशें हैं वो पूरी हो जाएगी। ठीक ना, चंदन सी जी बोल रहे सर आईपीएल स्टार्ट है। ठीक है यार, जाके आईपीएल देखो, पढ़ने से क्या मतलब है, है ना। तुम्हारा लाइफ का विकेट जो है दिन प्रतिदिन गिर रहा है, इसकी कोई परवाह नहीं है, और आईपीएल का खूब परवाह है, भुगतेगा भुगतेगा, है ना। हाँ आईपीएल स्टार्ट है। चलिए सुनिए, 15+25+35+... 205 का यूनिट डिजिट कितना होगा। ठीक है भाई, बोल रहा है इसका यूनिट डिजिट कितना होगा। तो देखिए ऐसे तो क्या करना होगा, इसको जोड़ना होगा और जोड़ के इकाई अंक पकड़ना होगा। ठीक है, जोड़ के इकाई अंक पकड़ना होगा। तो पहले हम जोड़ने पर बात करते हैं, पहले हम बात करते हैं जोड़ने पर, ठीक ना। फिर उसके बाद आपको हम एक शॉर्ट तरीके बताएंगे जिसको देख करके आप आंसर कर सकते हैं, देख के इसका आंसर बता सकते हैं कि नहीं यही आंसर होना चाहिए। लेकिन पहले इसका बेसिक, क्योंकि ये जो सीरीज है ना, देखिए 10-10 के अंतराल से बढ़ रहा है, 10 फिर 10 बढ़ा फिर 10 बढ़ा, मतलब ये किसमें है, एपी में है। किसमें है चला, एपी में है, एपी में है। जब समान अंतराल से कोई श्रृंखला बढ़ता है तो उसको हम कहते हैं एपी में। किसमें कहते हैं भाई मेरे, एपी में कहते हैं। ये किसमें है चला, एपी में है। ठीक है भाई, किसमें, एपी में है। अब यहां पर देखिए बोल रहा है ना कि सबको जोड़िए और योगफल का जो इकाई अंक होगा वही आप उत्तर बताइए। तो चलिए पहले हम जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो ध्यान रखना है कि अगर सीरीज एपी में रहता है, इन एपी, अगर एपी में रहता है तो जोड़ने का फॉर्मूला होता है एस एन। एस एन का मतलब क्या होता है, एन पदों का योग। सारे विद्यार्थी नोट करेंगे यहां पर, एप्लीकेशन यूट्यूब दोनों वाले, एन पदों का योगफल, एन पदों का योगफल, एन पदों का योगफल। ठीक है, एन पदों का योगफल क्या होता है, तो होता है, वन मिनट, हाँ होता है n/2 इंटू a+tn होता है। कही गई सर क्या क्या लिख दे रहे हैं, तो सुन लीजिए मैं बता दे रहा हूं। एन जो यहां पर होगा, एन जो आपका होगा, इसमें एन होगा नंबर ऑफ टर्म। नोट कर लेंगे भाई मेरे, एन क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म। कोई बोलेगा ए क्या होगा सर, तो ए होता है आपका फर्स्ट टर्म होता है। ठीक है, कोई पूछेगा टी एन क्या है, तो टी एन को आप एल भी कह सकते हैं। एल का मतलब क्या हो गया, लास्ट टर्म हो गया। ठीक है, लास्ट टर्म क्या है भाई, लास्ट टर्म। तो एक बार सारे विद्यार्थी इसको नोट कर लेंगे, सारे विद्यार्थी नोट कर लेंगे कि अगर कोई सीरीज एपी में है और उसे जोड़ना है तो n/2 a+tn का प्रयोग करेंगे, जहां पर n क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म, कि यहां से यहां तक कई गो टर्म है। a क्या होगा, फर्स्ट टर्म, कितना है 15, ये a है। और tn क्या होगा, लास्ट टर्म, कितना 205। tn के जगह पर कहीं कहीं l भी आपको मिल सकता है। तो इसको नोट कर लीजिएगा और आज के बाद याद रखिएगा, एप्लीकेशन वाले खास करके विद्यार्थी, आज के बाद हम कभी भी इसका प्रयोग करेंगे। ठीक ना, कभी भी इसका हम प्रयोग करेंगे। नोट कर लिए, जल्दी से नोट करिए।
चंदन सीजी एप्लीकेशन पर फुल पिक्चर नहीं होता है, एकदम होता है भाई, 100% होता है, ठीक ना। आप अपने मोबाइल में ऑटो रोटेट का जो ऑप्शन आता है उसको ऑन कर लीजिएगा, फिर मोबाइल को ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टल कर लीजिएगा, आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए नीतीश कुमार मधेपुरा से बोल रहे हैं, सर 7:30 बजे से होगा। हाँ देखिए, आप लोग से कह सकते हैं, आप लोग को एक सजेशन है कि आईपीएल तो आ रहा है, अच्छी बात है, और मैं आपको बता दूं कि ये जो आईपीएल है वो आपके पूरे लाइफ भर आता रहेगा, पूरी जिंदगी जो है सो आईपीएल आपको देखने को मिलेगा। तो इस बार जो है आईपीएल पर ध्यान ना दे करके अपनी एग्जाम की तैयारी पर आप ध्यान दीजिए। मान लेते हैं कि आज एक मैच है, अगर आप पूरा देखते हैं तो लगभग कितना घंटा जाता है जी, 2-2 घंटा ना, 4 घंटा, अच्छा 3 घंटे के आसपास में आपका समय जाएगा एक आईपीएल देखने में। अब किसी किसी दिन मैं सुना हूं कि 2 मैच भी है, तो बताओ यार कितना जाएगा, 6 घंटे जाएगा। आप बताओ कि आप आईपीएल एक साल सिर्फ देखने के लिए बने हो या फिर आप परमानेंट देखने के लिए बने हो। कहने का मतलब आप सिर्फ इसी साल देखना चाहते हो आईपीएल या फिर परमानेंट देखना चाहते हो, सिर्फ इस साल आप मजा लेना चाहते हो कि पूरे जिंदगी भर मजा लेना चाहते हो, पूरी जिंदगी भर लेना चाहते हो, और क्यों नहीं लेंगे, मजा लेंगे ही लेंगे, है ना। तो इस बार अगर पूरी जिंदगी अगर आपको मजा लेना है, इंजॉय करना है, एकदम फ्रेश मूड में रहना है, तो इस बार आईपीएल को आप क्या करिए, बाइकॉट करिए। स्टूडेंट को मैं बोल रहा हूं, हाँ बाइकॉट मतलब ऐसा नहीं कि ट्विटर पे कैंपेन चला देना है, आप उससे हट जाइए, आप बस अपनी पढ़ाई पर आप ध्यान दीजिए, ठीक ना। क्योंकि इस बार अगर आप पढ़ लेते हैं, अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है, तो अभी आप आईपीएल को अपने मोबाइल में देख रहे हैं, जब नौकरी हो जाएगी ना चला, तो मियां बीबी दोनों बैठ करके एकदम बड़ा सा 75 इंच का एलईडी लगा लेना है ना, है? जितना बड़ा ये हम बोर्ड लगाए हैं ना, इतना बड़ा खूब लगा लेना बड़ा सा, और दोनों एकदम कह सकते हैं चाय कुरकुरे के साथ मजा खूब लेना, एक बना लेना चेन्नई अपना फैन और दूसरा बीबी से बनवा देना कौन सा मुंबई या फिर जो भी हो, अब फिर अपना दोनों में टकरार होते रहेगा, है ना। हम मेरा वाला जीतेगा तो कहेगा नहीं मेरा वाला जीतेगा, वो कहेगा नहीं मेरा वाला जीतेगा। तो कहने का अर्थ ये है कि इस बार आप पढ़ाई करिए, आईपीएल का बस स्कोर जानिए कि चलो ये चीजें हो गया, चलो आज ये जीत गया, कोई बात नहीं है। वही तो मैं बोल रहा हूं ना यार कि आपका विकेट दिन प्रतिदिन गिर रहा है, आप मेहनत नहीं कर रहे, धीरे धीरे चीजें आपका डाउन हो रहा है, आज एक चीज भूल गए, कल दूसरी चीज भूल गए, तीसरी चीज भूल गए, चौथे चीज भूल गए, आपकी लाइफ का विकेट डेली गिर रहा है, उसकी कोई परवाह नहीं है। लेकिन अरे वो रैना आउट हो गया, तो धोनी आउट हो गया, तो अब धोनी वाला कौन गली ये वो करेगा कि आउट हो गया पहले ही सारा बोल दिए, तो हम मुंबई का फैन है ना। और खैर सब लोग अपने अपने हैं, चलिए खैर, तो सारे विद्यार्थी चीज को समझिए। आइए, अब कुछ लोग तो अपना इंटरनेट नेट पैक जो है आईपीएल पे बर्बाद करेंगे, बिल्कुल गलत बात है, पढ़ाई पे आप सही जगह उसका यूटिलाइज करिए। चलिए, मुंबई का फैन तो है लेकिन अब कुछ लोग लिख रहे हैं, अब इतना भी नहीं कि उसकी वजह से मतलब हम अपना काम छोड़ दें, ऐसा कुछ नहीं है, है ना। थोड़ा मोड़ा है, और थोड़ा मोड़ा है तो सचिन की वजह से था, और अभी सचिन का लगभग कौन है आपका, रोहित शर्मा जगह पकड़े हुए है, मे बी, है ना। लेकिन धोनी भी ऐसी बात नहीं है, कोई भी जीते मजे मजे हैं। आ जाओ भाई यहां पर, तो ये चीज सारे लोग समझ चुके हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लीजिए चीज को समझिए सारे लोग, देखो भाई यहां पर, अब यहां पर टीएन जो अभी आप पढ़े ना, आप जो अभी टीएन पढ़े, वो टीएन जानते हैं क्या होता है, a+a+n-1 × d होता है। सारे विद्यार्थी यहां पर ध्यान दीजिएगा, टीएन क्या होता है, a+n-1 × d होता है, ठीक है भाई। चलो सतीश जी लिख रहे हैं कि सर हम वाइफ के लिए पढ़ते हैं ताकि वाइफ अच्छी मिलेगी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल अच्छी मिलेगी, है ना, चलो मेरा आशीर्वाद भी है ना, लेकिन आप पढ़िए। चलिए आ जाइए यहां पर, टीएन इक्वल टू a+n-1 × d। देखो गोविंद जी लिख रहा है फालतू बात ज्यादा हो रहा है, आप यार हट जाओ यहां, चले जाओ, है ना। आइए तो a+n-1 × d होता है, ठीक है। अब सुनिए, TN जो होता है वो आपका लास्ट टर्म कितना दिया है, 205 दिया है, क्लियर है भाई।
अब ए ए मतलब होता है फर्स्ट टर्म कितना है 15 है, कितना है 15 है, 15 है। अब यहां पर एन माइनस वन, एन माइनस वन और इंटू डी, डी का मतलब क्या होता है डिफरेंस, डिफरेंस और डिफरेंस पता करने के लिए हम क्या करेंगे अगले टर्म में से पिछले टर्म को माइनस कर देंगे। तो 25 में से 15 घटा देंगे 10, 25 में से 15 घटा देंगे 10, क्लियर है भाई, 25 में से 15 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 10, ठीक है। चलो भाई अब यहां पर सीखिए, ये जो आपका 15 है ना वो आकर के इधर 205 में से घट जाएगा तो 190 हो जाएगा, और 190 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू क्या हो जाएगा 10। अब देखो ये जीरो से जीरो कट जाएगा, अब ये जो माइनस में वन है इस तरफ प्लस में हो जाएगा तो एन इज इक्वल टू कितना हो गया 20 हो गया। बताओ भाई एन बराबर 20 आ गया, इसका मतलब यहां से लेकर के यहां तक टर्म कितने हैं 20 है, यहां से लेकर के यहां तक टर्म कितने हैं 20 है। अरे ये फॉर्मूला नोट कर लेंगे, लास्ट टर्म बराबर क्या होता है ए जोड़ एन माइनस वन इंटू डी, तो ए के जगह पर 15, डिफरेंस 10, तो एन का मान निकल गया 20। अब यहां पर उसका सम लिख सकते हैं, तो सम का फॉर्मूला याद है एन बाई टू यानी 20 बटा 2 अभी लिखे थे पहले, और ए प्लस तो ए का मान कितना 15 और प्लस टी एन लास्ट टर्म, लास्ट टर्म कितना है 205 है, लास्ट टर्म कितना है 205 आपका है, ठीक है भाई। अब देखो ये 2 से कट जाएगा कितने बार में 10 बार में कटेगा, अब बताओ 10 बार में कटेगा और 10 का इकाई अंक क्या है 0 है, 10 का इकाई अंक 0 है, तो आपको लग रहा है कि 10 का इकाई अंक 0 है और ये जब किसी भी नंबर से गुना होगा तो इकाई अंक कितना बनाएगा 0 बनाएगा। अरे 10 का इकाई अंक 0 है चला, और ये 10 का इकाई अंक 0 है किसी भी नंबर से गुना होगा तो इकाई अंक कितना बनेगा 0, यानी 0 इज द राइट आंसर, 0 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए ज्योति प्रकाश जी नो इंटरेस्ट आईपीएल, हाँ इस बार इंटरेस्ट मत लीजिए, अगले साल से खूब लीजिएगा, आपको मना करने नहीं जाएंगे, ठीक ना। चलिए क्लियर है, अब कुछ लोग कह रहे थे सर ये तो आप कहें कि तुरंत बना लोगे एकदम मतलब सेकंडों में, वो बताइए तने नियम, आप कहेंगे तुरंत बन जाएगा वो तने नियम बताइए, तो देखिए सुनिए और मैं इसको आप कैसे करेंगे, अभी आप देखें ना कि टी एन इक्वल टू ए जोड़ एन माइनस वन और इंटू डी, ठीक ना, तो इस फॉर्मूला का यूज करके आप एन निकाल लीजिए मतलब नंबर ऑफ टर्म निकाल लीजिए, और नंबर ऑफ टर्म कितना आ गया 20 आ गया, अभी निकाले ना n बराबर 20 जो क्या है आपका सम है, क्या है सम है, ठीक ना। अब सुनिए इसका इकाई अंक 5 है और इसका इकाई अंक 5 है, अगर इसको आप दो बार जोड़िएगा तो इकाई अंक कितना बनेगा बोलिए, 5 इसका इकाई अंक है, 5 इसका इकाई अंक है, अगर दो बार जोड़िएगा तो इकाई अंक कितना बनेगा 0, 0 बनेगा इकाई अंक, 0 बनेगा। तीन बार जोड़िए तो 5 5 5 15 इकाई अंक क्या बनेगा 4, इसका मतलब यह है कि दो बार मतलब इवेंट टाइम्स जोड़ रहे हैं तो 0 बन रहा, दो बार जोड़ेंगे 0, चार बार जोड़ेंगे तो भी 0, छह बार जोड़ेंगे तो भी 0, तो ऐसा ऐसा टर्म क्या गो इसमें 20 गो है ना, 20 गो है, तो 20 बार जब जोड़िएगा तो इकाई अंक कितना बनेगा 0, ऑप्शन नंबर ए, ऐसे डायरेक्ट आप सोच सकते हैं, है कि नहीं भाई मेरे, बताएंगे एकदम सिंपल सा सोच है कि एन का मान निकाल लीजिए और आंसर कर दीजिए, जैसे एक बार जोड़ रहे हैं तो इकाई अंक 5, तीन बार जोड़िए तो 5 5 5 जोड़िए 15 इकाई अंक 5, 5 बार जोड़िएगा तो इकाई अंक 5, मतलब ऑड टाइम्स जोड़िएगा तो इकाई अंक 5 और इवन टाइम्स जोड़िएगा तो इकाई अंक 0, तो एन का मान 20 है, 20 को टर्म है मतलब 20 बार जुटेगा, इवन टाइम्स जुटेगा तो क्या होगा 0, अगर 21 टर्म रहता तो आंसर फिर कौन हो जाता बी हो जाता, ठीक है, तो आंसर ए हो जाएगा। चलो भाई यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन सारे विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, ये मेरा अगला प्रश्न है, लगातार 100 प्राकृत संख्या, देखिए मैंने पहला क्लास में आपको बताया है प्राकृत संख्या क्या होता है, सॉरी दूसरा में 100 सम संख्या तथा 100 विषम संख्या के गुणनफल का इकाई अंक यहां पर जानते हैं क्या होगा, क्या लिख होगा यहां पर, है ना, इकाई अंक क्या होगा, लगातार 100 प्राकृत संख्या, तो 100 प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या कहां शुरू होता है एक से, तो एक गुणा दो गुणा तीन गुणा चार गुणा पांच गुणा, है ना, पांच, वन मिनट देखो भाई इसको हटा दिया यहां पर, देखो पांच गुणा डॉट 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 कहां तक गुणा करना है 100 तक गुणा करना है,
फिर क्या बोल रहा है, लगातार 100 सम संख्या, 100 गो सम संख्या लगातार। तो सम संख्या क्या होता है, 2 गुना, 4 गुना, 6 गुना, 8 गुना, 10 गुना, डॉट डॉट डॉट, क्या गो, 100 गो। फिर आपसे क्या बोल रहा है, विषम संख्या, तो विषम संख्या क्या होता है, 1 गुना, 3 गुना, 5 गुना, 7 गुना, डॉट डॉट, क्या गो विषम संख्या, 100 गो विषम संख्या, 100 गो प्रकृत संख्या, 100 गो सम संख्या और 100 गो विषम संख्या के गुणनफल का इकाई अंक कितना होगा आपसे पूछ रहा है। तो एक बात बताओ, चला 100 का इकाई अंक कितना है, 0। और एक बार जान लो कि गुना में अगर कहीं भी इकाई अंक 0 आ जाएगा तो 0 किसी भी नंबर से गुना होगा तो हमेशा इकाई अंक क्या बनाएगा, 0 बनाएगा, 0 ही बनाएगा। जैसे 0 गुना 5 तो 0, 0 गुना 4 0, 0 गुना 3 0, 0 गुना 2 0। एक बार जब गुणा में 0 इकाई अंक आ जाएगा और किसी भी नंबर से गुणा करेगा तो हमेशा इकाई अंक 0 बनेगा। तो बताओ 100 प्रकृत संख्या गुणनफल का इकाई अंक 0। अब देखो यार, यहां पर 2 गुना 4 गुना 6 गुना 8 गुना 10 सम है, कहां तक, 100 गो। देखो 10 का इकाई अंक 0 है, अरे 10 में इकाई अंक कितना है, चला 0। और ये 0 से जब गुना इसमें होगा, इसमें होगा, इसमें होगा, इसमें होगा, तो हमेशा इकाई अंक कितना बनेगा, 0 ना बनेगा। अब 10 के बाद 12 है, तो 0 गुना 2 फिर 0, 14 में फिर 0, फिर 0, तो यहां भी इकाई अंक कितना बनेगा, 0 ही बनेगा। लेकिन देखिए, आप कहिएगा सर विषम वाला में क्या बनेगा, तो विषम वाला में 5 होगा, कहिएगा ये कैसे, तो देखिए यहां पर एक जगह 5 दिख रहा है, अब आप गुणा करके देख लीजिए, 5 को गुणा करिए 1 से तो भी इकाई अंक 5, 5 को गुणा करिए 3 से तो भी इकाई अंक 5, 5 को गुणा करिए 7 से, 5 से 35 तो भी इकाई अंक 5, 5 को गुणा करिए 9 से। देखो 0 कब बन जाएगा, जब सम से गुणा होगा, 5 गुना 2 बराबर 10 0 होता है। लेकिन विषम संख्या बोल रहा है तो क्या कभी 2 आएगा, कभी सम इसमें आएगा, कभी नहीं, क्या है, सिर्फ और सिर्फ विषम है। तो 5 जब किसी भी विषम संख्या से गुणा होता है ना चला, तो हमेशा इकाई अंक कितना बनता है, 5 ही बनता है। तो 005 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर कौन सा, ए हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए शुभम कुमार सत्यम जी बोल रहे हैं अंतर से नहीं होगा सर, अंतर, अंतर से क्या, इसमें तो योगफल है ना, अंतर का क्वेश्चन वैसे मैं ले रखा हूं, ठीक ना। चलिए अमित कुमार सी जी, बिल्कुल सही बात है, हम अपने मम्मी पापा के आराम के लिए पढ़ रहा हूं, एकदम परफेक्ट बात है यार, आप यूनिक निकले, ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। आइए यहां पर देखिए सारे विद्यार्थी, थोड़ा ये क्वेश्चंस को देखो भाई, ये क्वेश्चंस को सारे विद्यार्थी आप देखिएगा, यहां पर कहता है 2 को छोड़कर सारे अभाज्य संख्या के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात करें, कह रहे 2 को छोड़कर सारे अभाज्य संख्या, तो सबसे पहले तो आप हमको बताइए अभाज्य संख्या क्या होता है, मैंने पिछले क्लास में बताया है, सबसे पहली अभाज्य संख्या होता है 2, तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 डॉट डॉट डॉट, ये सब अभाज्य संख्या होता है। और मैं आपको बता दूं कि अभाज्य में सिर्फ 2 ही जो होता है ना वो आपका इवन होता है, और बाकी का सारी अभाज्य संख्याएं क्या होती है, ऑड, विषम होती है, पता है ना सबको, सिर्फ अभाज्य में 2 ही सम होता है, बाकी सब क्या होता है, चला विषम होता है। ठीक है, अब बोलता है 2 को छोड़कर सारी अभाज्य संख्या का गुणनफल का इकाई अंक कितना होगा। ठीक है, 2 को छोड़ देना है भाई, अब बताओ जब इस 2 को हम छोड़ देंगे, 2 को छोड़ देंगे, बाकी सारे अभाज्य संख्या को गुणा करेंगे, क्या करेंगे भाई मेरे, गुणा, गुणा कर दो, गुणा कर दो, 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 सब गुणा कर दो। अब गुणा करने से पहले 5 पे नजर पड़ा, और 5 पे नजर पड़ गई और बाकी सब इसके साथ विषम है, तो याद रखना जब 5 जब विषम संख्या से गुणा होता है ना तो इकाई अंक कितना बनाता है, 5 ही बनाता है, 5 ही बनाता है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 5। लेकिन 5 अगर कोई सम संख्या के साथ एक बार रिलेशन बना लिया तो आपका इकाई अंक क्या बनाएगा, 0 बनाएगा। तो 2 को छोड़कर कह रहा है तो 2 को छोड़ देना है, तब यूनिट डिजिट कितना बनेगा, चला 5। लेकिन बोलता 2 को लेकर, अगर बोलता 2 को लेकर तो ये 5 और गुना 2 होके क्या बन जाता, 10 इकाई अंक 0। और एक बार जब 0 बन जाएगा ना, एक बार जब 0 बन जाएगा ना, तो फिर उसके बाद किसी भी नंबर से गुना करिए हमेशा इकाई अंक 0। तो 2 को छोड़कर बोल रहा है इसलिए इकाई अंक कितना, 5, और 2 के साथ कहता तो इकाई अंक कितना, 0 हो जाता है। क्लियर है भाई मेरे,
एक बार बता देंगे, एप्लीकेशन वाले सारे विद्यार्थी बताएंगे और यूट्यूब वाले, क्या किसी को दिक्कत है किसी प्रश्न में? चलिए, उम्मीद है नहीं है, उम्मीद है नहीं है। अब देखिए, आपको हम यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट बताते हैं। अब आप सारे विद्यार्थियों को हम यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट बताते हैं और फिर हम क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर हम क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो भाई, यहां पर आइए सारे विद्यार्थी, नोट करिएगा। जब पावर सामान्य रूप में हो, जब पावर सामान्य रूप में हो, ठीक है भाई मेरे, जब पावर सामान्य रूप में हो, तो वैसी स्थिति में आपको याद रखना है, पहला नंबर रूल आपको याद रखना है कि आधार का इकाई अंक आधार का इकाई अंक जीरो रहेगा, एक रहेगा, पांच रहेगा, छह रहेगा, तो नो चेंज, नो चेंज, ठीक है। और मान लेते हैं कि अगर अदर रहेगा, अदर्स का मतलब हो गया जीरो एक पांच छह के अलावे, अगर अदर्स रहेगा तो वैसी स्थिति में हम क्या करेंगे इकाई अंक निकालने के लिए, तो पावर में चार से क्या करेंगे, भाग देंगे, पावर में चार से भाग दे तथा शेषफल को, इसको नोट करिए सब लोग, फिर मैं समझाता हूं, तथा शेषफल को बेस के पावर में लिखें, इसको जल्दी से नोट करिए सारे विद्यार्थी, देखिए थोड़ा एप्लीकेशन, सारे विद्यार्थी जल्दी से इसको नोट करिए, पहले मैं समझा रहा हूं। चलिए भाई जल्दी से नोट करिए सारे के सारे लोग, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। चलिए सारे के सारे लोग चीज को नोट कर लिए, YouTube वाले स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं और चीज को समझिए मैंने क्या बताया है। मैंने कहा कंसेप्ट में क्या कि जब पावर समान रूप में हो, कहिएगा इसका मतलब क्या हुआ सर, तो सुनिए इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपको अभी बता रहा हूं। जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन यहां पर ऐसे दिया है कि 416 का पावर 215 दिया है, ठीक है, और गुणा में दे दिया 31 के पावर आपका 345 दिया है, ठीक है, और दे दिया आपका 10 के पावर आपका 14 दे दिया है, और दे दिया आपका 17 के पावर 94 दे दिया है, ठीक ना, ये चीजें आपका दे दिया और इसी का इकाई अंक क्या करना है आपको, निकालना है, ठीक है भाई मेरे, इसी का इकाई अंक क्या करना है, निकालना है। तो सबसे पहले तो यहां पर क्वेश्चंस देख के पकड़ना है, मैंने क्या लिखा कि जब पावर सामान्य रूप में हो, मतलब आप देख सकते हैं यहां पर पावर 215 है, यहां पावर 345 है, यहां पावर 14 और यहां पावर 94 है, तो इसको हम कहेंगे सामान्य रूप, कहिएगा इसको सामान्य कहें, तब अगला वाला क्या होगा, तो अगला वाला आपको हम पढ़ाएंगे अभी कि जब पावर फैक्टोरियल के रूप में हो, तो यहां पर फैक्टोरियल नहीं है, ये आपका जनरल फॉर्म में है, तो वैसी स्थिति में हम क्या करेंगे, आधार का इकाई अंक देखेंगे, तो ये आधार है, बेस है और ये पावर है। अब बताओ इसका इकाई अंक कितना है, 6 है
है ना, इसका कितना आधार का इकाई एक है, यहां पर कितना है जीरो है, और यहां पर कितना है सात है। तो वही मैंने पहला नंबर चला लिखा है कि आधार का इकाई अगर कभी जीरो दिख जाएगा, एक दिख जाएगा, पांच दिख जाएगा और छह दिख जाएगा, है ना, इसमें से कोई भी दिख जाएगा, और पावर कितना भी बड़ा से बड़ा रहे, कुछ भी पावर रहे, यूनिट डिजिट नहीं बदलता है। कहेगा ई का है सर, ई का है, तो आप यहां पर छ लिख लिए। अब छ को आप कितनों बार गुना करिए, छ को कितनों बार गुना करिए ना, आप दो बार, तीन बार, चार बार, पंद्रह बार, 215 बार गुना करिए, कभी भी इकाई अंक छह के अलावा दूसरा नहीं मिलेगा। कैसे, तो छह का इकाई अंक छह, आप छह को हम दो बार गुना किए, छह छह 36 का इकाई अंक छह, छह को हम गुना कर दिए कितने बार, तीन बार करिए ना, तो छह छह 36 छह 216 फिर इकाई अंक छह मिल गया। चार बार करिएगा 1296 तो फिर इकाई अंक छह। तो छह को आप कितनों बार गुना करिएगा ना, उसका इकाई अंक नहीं बदलता है। तो ये गुण किसमें किसमें होता है, तो याद रखना है जीरो में, एक में, पांच में, छह में। तो आज के बाद आपको याद रखना चाहिए कि जब पावर जनरल फॉर्म में रहेगा और आधार का इकाई अंक 0 1 5 6 में से कोई भी रहेगा तो यूनिट डिजिट नहीं बदलता है, नो चेंज, ज्यों का त्यों उतार देंगे। तो बताओ यहां पर आधार का इकाई अंक 6 है, तो जब आंसर करेंगे तो इकाई अंक भी इसका 6 हो जाएगा। यहां पर 1 है तो 1 में भी नहीं बदलता है, तो 1 ही लिख देंगे। यहां पर 0 है तो 0 में भी नहीं बदलता है, 0 लिख देंगे। क्लियर है, 0 1 5 6 रहेगा तो नहीं बदलेगा, लेकिन अदर्स, अब बताओ सात जो है वो क्या है, अदर्स है, उसमें है सात नहीं, मतलब इसमें आ जाएगा। तो जब अदर्स रहेगा तो हम क्या करेंगे, चला अदर्स रहेगा तो क्या करेंगे, रूल पढ़िए, पावर में चार से भाग देंगे तथा शेषफल को। अब पावर में चार से चलिए भाग देते हैं, तो पावर 94 है, और पावर में चार से भाग दे करके शेषफल लिखेंगे, तो चार से 94 में भाग दीजिए तो शेषफल कितना बचेगा, दो, अरे 92 कट जाएगा, 94 है, शेषफल दो बच जाएगा। अब शेषफल को क्या करना है, बेस के पावर में लिखना है, शेषफल को बेस के पावर में लिखना है, है ना। तो शेषफल कितना बचा, चला दो बचा, चार से भाग देने पर शेषफल कितना बचा, दो। अब दो को क्या करना है, ऐसा नहीं कि दो लिख देना है, देखिए यहां पर बेस का इकाई अंक कितना है, सात है, बेस का इकाई अंक कितना है, सात है, जिसको आप देख रहे थे सब जगह, इसी के पावर में शेषफल को लिखते हैं, ठीक ना। अब बताओ यहां पर क्या हो गया, अब यहां पर क्या हो गया, तो बताओ यहां पर क्या हो गया, छह और गुना एक गुना जीरो, अब बताओ सात का स्क्वायर 49 और 49 का इकाई अंक 9, तो आंसर कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि जीरो अगर किसी भी नंबर से गुना होगा तो हमेशा कितना होगा, जीरो आपका हो जाएगा। कहिएगा ई प्रश्न में सर काहे बढ़े, तो ई हम आपको समझाने के लिए बढ़े, सेकंड नंबर आंसर तो यहीं पर दिख रहा था, जैसे ही एक जगह जीरो दिखा और सब गुणा में है तो जीरो से जो टकराएगा सब जीरो बन जाएगा, है ना। तो ये बात को आप सारे विद्यार्थी बहुत अच्छी तरह से आप समझिए, ठीक है, ये बात को आप सारे विद्यार्थी बहुत अच्छी तरह से समझिए, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद है आप सारे विद्यार्थी चीज को समझ पाए हैं। अब देखिए जितना मेरा टारगेट था उतना तो हम करा नहीं पाए, 7:15 होने वाला है और 7 बजे से टेस्ट का डिस्कशन भी है ना, और बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो इस बैच में भी है और टेस्ट वाले में भी है, तो उनको प्रश्न बनाने का समय मिलना चाहिए। तो देखो भाई यहां पर ध्यान दीजिए, कल आपका संडे है, कल आपका संडे है, तो मैंने क्या बोला कि ये जो टारगेट बैच है ना, ये जो टारगेट बैच है, टारगेट जो बैच है वो आपका 7 दिन चलेगा, ठीक है, टारगेट बैच जो है वो आपका 7 दिन चलेगा, मतलब कल संडे है तो कल संडे को भी आपका 5:30 बजे जो है क्लासेज टारगेट की लगेंगी, और कल से जो क्लासेज आपका लगेंगी वो आपका केवल एप्लीकेशन पर होगी, कल से क्लासेज जो है केवल एप्लीकेशन पर होगी, यूट्यूब पर डेमो जो था आज आपका लास्ट था, ठीक है, तो कल से क्लासेज केवल एप्लीकेशन पर चलेगी, और कल जो है चीजें कल से अब थोड़ा फास्ट होने लगेगा, कल से चीज थोड़ा तेजी से चलने लगेगा, है ना, क्योंकि एप्लीकेशन पर जो विद्यार्थी जुड़े हुए हैं उनको किसी भी तरह की अगर प्रॉब्लम हो रही है तो बात करके आप पूरा एकदम तैयार हो जाइए, और कल से क्लासेस केवल और केवल एप्लीकेशंस पर ही चलेंगी। और जो विद्यार्थी अभी तक नामांकन नहीं कराए हैं, अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो एडमिशन इस बैच में अभी चल रहा है, 500 रुपीज में आप नामांकन करा लेंगे, एडमिशन आप एप्लीकेशन पर भी जाके ले सकते हैं, है ना, अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो आप डायरेक्ट कॉल करके बात कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी हम YouTube पर जो फ्री क्लासेस 10 बजे चल रही है वो कल से हम 10 बजे,
अच्छा कल संडे है जी, संडे उसका नोटिफिकेशन आपको हम दे देंगे, ठीक ना। या हो सकता है कल कुछ स्पेशल क्लास आपको हम पढ़ाएं यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका नोटिफिकेशन आपको हम बहुत जल्द दे देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं कल 5:30 बजे, केवल एप्लीकेशंस पर एडमिशन आपका स्टार्ट है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।